ये जो किसी हमारे यमी से शाही फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम हनी ले लेंगे और इसके ऊपर से कर देंगे ऐसे हम गार्निशिंग। बहुत ही यमी, बहुत डिलीशियस रेसिपी। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक। ये देखिए, इस फ्रेंच टोस्ट को हमने बहुत ही मज़ेदार रेडी किया। देखने में ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही डिलीशियस है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये रेडी हुआ। ये देखें, बहुत यम्मी है, बहुत ज़बरदस्त रेडी होने वाला है, ज़रूर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साईवानी आज़ी किचन। आज बहुत ही मज़ेदार सी शाही फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की जा रही हूँ। जब भी आपको कुछ मीठा खाने की दिल करे और ज़बरदस्त था, तो आप रेसिपी को फ़ौरन बनाएं। इसके लिए 3 ब्रेड मैंने ले लिए हैं, इनको हम साइड पे कर देंगे और इसके अंदर हम तोड़ लेंगे 2 अंडे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार सी है ये। अंडे लेने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, ये बादाम है, थोड़ा सा पिस्ता है, ये हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और साथ में हम 2 खाने के चम्मच ये दूध है, दूध हम ऐड कर देंगे। और साथ में 2 खाने के चम्मच हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप खोया ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब 1 से 2 खाने के चम्मच हम पिसी हुई चीनी ये डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर 2-3 बूंद हम वनीला एसेंस के डाल देंगे, जो अंडे की स्मेल को ख़त्म करेगा। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सा। दूसरे साइड पे पैन को हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे देसी घी। ऑयल आप जो भी खाना पसंद करें उसी हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देसी घी पर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। घी को हम मेल्ट हो लेने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब दूसरी साइड पे हमने जो ब्रेड लिया है इसके अंदर हम डिप कर लेंगे। इसके अंदर डिप करके बड़ा सा बर्तन लेना है आपने, जिसका सारा आसानी इसको उठा सकें। इसको ऐसे करके हमने इसके अंदर अच्छे से डिप करके इसको पैन के अंदर हम डाल देंगे। इसको हम पैन के अंदर डाल देते हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त है हमारी रेसिपी रेडी होने वाली है। लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। लो फ्लेम पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, इसकी साइड हम नीचे से चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसको हम और फ्राई होने देंगे, इसके हम साइड पलट देंगे। 1 मिनट से भी कम इसे डाले हुए हुआ है, तो ये इसकी निचले वाली साइड फ्राई होगी, इसके साथ हम पलट देंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हो गई है। ये बहुत अच्छे से दोनों साइडों से रेडी हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें, ऐसे करके बाकी के भी मैं ब्रेड रेडी कर लेती हूँ। ये देखो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी ये रेडी। इसी तरह मैंने दूसरा भी इसके अंदर डिप कर लिया है, इसको भी हम पैन के अंदर डाल देंगे ऐसे करके। जरूर रेसिपी रिकॉर्ड कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, इसको ट्राई करें। बहुत मज़ेदार ये रेडी होती है, बहुत यम्मी है ये, और झटपट रेडी होने वाला ये मीठा है। ये जो किसी हमारे यम्मी से शाही फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम हनी ले लेंगे और इसके ऊपर से कर देंगे ऐसे हम गार्निशिंग। बहुत ही यम्मी, बहुत डिलीशियस रेसिपी। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी को ज़रूर बनाया कीजिए, आप ही लोगों के लिए हम रेसिपीज बनाते हैं, बहुत मज़े की रेडी होती हैं। और अपनी पसंद का इजहार किया कीजिए। और यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा के रखे थे, वो इसके ऊपर हम कर देंगे गार्निशिंग। ये देखें यम्मी, देखें मुँह में पानी आ रहा है, माउथ वाटरिंग। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है, ज़रूर बनाएं, आपको बच्चे बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
और मुझे अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस किया करें ताकि मेरे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।